प्रेस द बेल आइकन ऑन यूट्यूब एंड डोंट मिस अनदर अपडेट। हरियाणा में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 21 अक्टूबर को मतदान होगा और 24 अक्टूबर को रिजल्ट आ जाएगा। अभी मेरे साथ है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के CLP लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हमें आप कांग्रेस की तैयारियों के बारे में बताइए, जो अभी फिलहाल पिछले दिनों आप हरियाणा के दौरे पर थे, आपने क्या क्या पाया जमीन पर? देखिए, कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। ये जो हमारे संगठन की फेरबदल हुआ है, उसके बाद शैलजा जी और मैं और हमारे साथी 10 के 10 पार्लियामेंट क्षेत्र में गए हैं, जो वहाँ कार्यकर्ताओं में जो एकदम करंट सा आया है, जो एकदम हौसला हुआ उनका, जो नया जोश उनमें आया है, जो निराशा हो गई थी लोकसभा चुनाव के बाद, वो आशा में तब्दील हो गई है। तो उस हिसाब से मेरे को लगता है कि बहुत भारी जन समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। पूरी तरह से कांग्रेस तैयार है। तो मनोहर लाल खट्टर जी ने तो मिशन 75 जो है जनता को बता दिया है, कांग्रेस का ऐसा क्या मिशन है और आपको लगता है कि वो जो 75 का जो उनका पूरा उन्होंने प्लान बनाया है, उस वो कितना सक्सेसफुल रहेगा? देखिए, हरियाणा में असेंबली में 90 सीट है। अगर कोई ये कहे कि 90 में से हम 110 लाएंगे तो कोई वो तो नहीं, रोक तो नहीं सकता ना। लेकिन फैसला तो लोग करेंगे ना, ये बता दें 24 को आ जाएगा, फैसला लोग करेंगे, ना मैं करूंगा ना वो करेंगे, फैसला लोगों ने करना है। मनोहर लाल खट्टर ने लगातार भ्रष्टाचार की अपनी मुक्त जो कराने की छवि बनाई है, वो कहा है कि मैंने जातिवाद खत्म कर दिया, हमने परिवारवाद खत्म कर दिया, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, जितनी भ्रष्ट सरकार ये है, जितने घोटाले इस सरकार के हुए हैं, ये कोई मतलब खुद कहने से नहीं बनता है, लोगों को पता है। आप देख सकते हैं, माइनिंग का घोटाला, हजारों करोड़ का घोटाला है और सुप्रीम कोर्ट तक भी अंकित किया, मुख्यमंत्री दफ्तर तक। फिर ये आपका ओवरलोडिंग का घोटाला, आप जाके देखो दादरी और वहाँ महेंद्रगढ़ देखो, लोगों से बात करके देखो, पता लग जाएगा, हजारों करोड़ का घोटाला। फिर आपका मीटर की खरीद में घोटाला, फिर अभी एक किलोमीटर स्कीम चलाई थी ट्रांसपोर्ट में बसों की, उसमें घोटाला। दाल रोटी जो हमारी स्कीम थी, दाल खरीद में घोटाला। ये तो सरकारी बातें बता रहा हूँ आपको। जो शेड्यूल कास्ट के बच्चों को स्कॉलरशिप जाता था, उसमें घोटाला। दवाई की खरीद में घोटाला, दवाई जो मुफ्त देते थे उसमें घोटाला। घोटाले पे घोटाला, घोटाले। आज भ्रष्टाचार में बिल्कुल लिप्त पड़ा है हरियाणा सरकार। लेकिन ये मुद्दे जनता तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? क्या जमीन पर बात कर रहे हैं? जनता तक गए हुए हैं, जनता ही की कही बता रहा हूँ मैं जो जा रहा हूँ। आप खुद ऐसे नहीं, आप मेरे से मत पूछो, आप जाओ महेंद्रगढ़ दादरी जाओ, पूछो क्या घोटाला ओवरलोडिंग का। डिप्टी कमिश्नर तक आपको ये सारे अखबारों में आ चुके हैं ये बात। खट्टर जी ने जन आशीर्वाद रैली की और आपने भी उसके समानांतर कई रैलियां की हैं, रोहतक में भी आपने रैली की, तो इतने सारे लोग आए, लोगों का क्या रिस्पॉन्स है दोनों रैलियों में? आपको कोई लगता है कि कुछ फर्क रहा? देखिए, जो इन्होंने जन आशीर्वाद प्रोग्राम चलाया है, वो जन पश्चाताप का प्रोग्राम चलाना चाहिए था इनको। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि हरियाणा 66 में बना था, 66 से लेकर 2014 तक पुलिस की गोली से 80 आदमी नहीं मरे थे, जो जो 2014 से लेकर अब तक, मतलब 80 से ज़्यादा गोली से मरे, चाहे वो पंचकुला हो, चाहे वो आंदोलन हो, मतलब इतने गोली से कभी इतना जान और माल का नुकसान कभी नहीं हुआ। तो जो बेकसूर लोग मारे गए, जो कोई भी थे, उन और पश्चाताप और कौन करेगा? जो मारने वाले तो करेंगे, सरकार किसकी थी? मेरी तो नहीं थी ना सरकार, तो इनकी जिम्मेवारी तो सरकार की होती है, सुचारू रूप से सरकार चलाना तो सरकार की जिम्मेवारी है, तो इनको उसका पश्चाताप करना चाहिए था। आज एक भी विकास का काम नहीं किया। 66 में हरियाणा बना, 2014 तक कुल कर्जा 60,000 करोड़, अब 2014 से 2019 में कर्जा हो गया 1,70,000 करोड़। फिर क्या किया इन्होंने? कोई पावर प्लांट लगाया, कोई रेलवे लाइन लेके आए, कोई मतलब कंपनसेशन भी दिया, कोई मेट्रो लाइन बढ़ाई, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी लेके आए, कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेके आए, एक भी इनके लिए पास कहेंगे उपलब्धि नहीं है, एक भी नहीं है। गरीब आदमी जो आज जिसको हमने 3,82,700 गज के प्लॉट दिए, आज एक का नाम, एक गांव का नाम और आदमी का नाम नहीं बता सकते, इन्होंने 100 गज का प्लॉट दिया हो किसी को। तो ये किसी भी वर्ग के लिए कानून व्यवस्था, 2014 में हरियाणा प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर एक था। आज आपको पता है मैडम किस चीज़ में? मैं नहीं बताऊँ जो आंकड़े, बेरोजगारी में हम टॉप पर आ गए, टॉप पर आ गए ना, 28% बेरोजगार हरियाणा पूरे देश में टॉप पर है, अपराध में टॉप पर है,
और कहाँ प्रदेश को कहाँ धकेलेंगे, क्या उपलब्धि है, ये उपलब्धि है सबसे ज्यादा बेरोजगारी दे दी, ये उपलब्धि है कि आज 3 मर्डर रोज के एक होते हैं, रोज का ये काम है इनका, इतने भ्रष्टाचार। आपने क्राइम की बात करी तो हरियाणा का सेक्स रेशो हमेशा से बिगड़ा था और भाजपा सरकार ने इसे अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि गिनवाया कि हमने सेक्स रेशो सुधार दिया हरियाणा का, और ये कि पिछली सरकारों ने इसके लिए कुछ नहीं किया। ऐसा है मैडम, 5 साल में नहीं सुधरता है, वो हमारे समय की लाडली स्कीम थी, ये उस टाइम की सुधार की बात करें, अब आगे जब जो हमारे टाइम के सुधार को ये है कि जैसे मान लो हमने कोई बिल्डिंग बनाई है, उद्घाटन कर दिया तो अपनी उपलब्धि मान लेंगे, जो हमारी स्कीम शुरू है जिसका लाभ हुआ, जिसकी वजह से सेक्स रेशो बढ़ी है, अब इनके समय में हुई है, इस वास्ते गुणगान कर रहे हैं, इनकी तो कोई उपलब्धि नहीं। हरियाणा में खट्टर सरकार के दौरान 3 बड़े दंगे हुए और लग रहा था कि खट्टर सरकार गिर जाएगी और विपक्षी पार्टियां उसको मुद्दा बनाने में नाकामयाब रही है। जो आज मीडिया मैटर कर रहा है वो तो आज मैं बयान देता हूँ तो छापते नहीं है। हरियाणा के फिलहाल आपके हिसाब से 3 मुद्दे जिन पर भाजपा सरकार मतलब बिल्कुल विफल रही है। देखिए बेरोजगारी ये उन्होंने एक वायदा किया था, या तो हम रोजगार देंगे या बेरोजगारी का आपको वो देंगे भत्ता देंगे, कोई वो नहीं। और कानून व्यवस्था और मतलब जो विकास, तीनों मुद्दे पे फेल। आज हाय तोबा मची हुई है, गांव में बिजली नहीं, पानी नहीं, कानून व्यवस्था की बिल्कुल धज्जियां उड़ी हुई हैं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है हरियाणा में, फ्री फॉर ऑल हुआ है, लोग परेशान हैं, हर आदमी आज हरियाणा का जो है अपने आप में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा, तो ये इनकी देन है। और इवेंट मैनेजमेंट में परफेक्ट है। अच्छा। इवेंट मैनेजमेंट जैसे करेंगे ने हैपनिंग इन हरियाणा, गुड़गांव में इवेंट किया एक, NRIs को किराया इन्होंने दिया, होटल में इन्होंने ठहराया, ये फर्स्ट टाइम सुना हमने, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए और MOU साइन कर दिए, 6 लाख करोड़ के MOU साइन कर दिए, कह दिया मुख्यमंत्री जी ने भी 6 लाख करोड़ के MOU साइन है, 6 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ गई, आई नहीं 6,000 करोड़ की भी। तो लेकिन इवेंट मैनेजमेंट के माहिर हैं, इसी तरह इवेंट मैनेजमेंट करते रहते हैं। 370 को लेकर हरियाणा जो है एकदम लामबंद रहता है, यहाँ पे सैनिक कितने हैं कि ये सेंटिमेंट काम करता है, और अमित शाह जी ने अपनी रैली की शुरुआत ही 370 वाली बात से की थी, आपको क्या लगता है ये मुद्दा भाजपा अपने पक्ष में करने के लिए जो है इस्तेमाल कर रही है? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, सैनिक सबसे ज़्यादा है, इसी वास्ते मैंने भी 370 का क्या था। लेकिन अब तो वो कानून बन गया देश का, अब तो कोई मुद्दा ही ना, भाई राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा ने पास कर दिया, जब एक देश का कानून बन गया तो उसके विरोध में कौन है? मुद्दा जब होता है कोई पक्ष विरोध हो, अब तो विरोध में रहा ही कोई नहीं जब कानून बन गया तो। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार इतनी एकजुट और इतनी निर्णय लेने वाली है, कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकी, तो ये आपके खिलाफ तो जा सकता है? कांग्रेस ने अपने अपने समय बहुत फैसले लिए हैं, ये बैंक नेशनलाइजेशन का, गरीबी हटाने का, कितने फैसले लिए। लेकिन ये तो सरकार का काम होता है फैसले लेना, और जो ये तो पहले बहुत डिलीट हो चुका था, खत्म कर दिया गया था कुछ। अब तो एक ही सबका प्रयास होना चाहिए कि वहाँ जम्मू कश्मीर में शांति कायम की जाए। सोशल मीडिया को भाजपा बिल्कुल अच्छे से इस्तेमाल करती है अपने पक्ष में, और कुछ नेगेटिव खबर आती है तो उसे भी अपने पक्ष में कर लेते हैं सोशल मीडिया के जरिए। आपकी पार्टी या आप लोगों ने कोई स्ट्रेटजी बनाई है सोशल मीडिया के जो चीज़ें हैं उन? मेरे को सोशल मीडिया ज़्यादा ज्ञान नहीं है, ना मैं इस्तेमाल करता कोई खास सोशल मीडिया। तो भाई देखो उसमें तो बहुत सारा वित्तीय समर्थन भी चाहिए ना। अच्छा। वो है नहीं हमारे पास। मेरे साथ थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए।